नमस्ते एवरीबॉडी, अनदर डे अनफोल्ड्स ऑफ द लॉकडाउन। अब तो मुझे भी काउंटिंग थोड़ी सी ऐसे में भूल जाता हूँ कौन सा दिन है ये। सो कल रामनवमी थी एंड आई एम श्योर आप सब ने ये त्यौहार बड़े अच्छे ढंग से अपने घर में मनाया। शायद पहली बार हुआ होगा पूरे इतिहास में, पूरी हिस्ट्री में हमारे, कि इतना बड़ा त्यौहार, साल का सबसे बड़ा त्यौहार हमारा, और हम लोग सब घर में थे, सारे मंदिर बंद थे। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड दैट सब कुछ अच्छे ढंग से हुआ, पीसफुली हुआ। And there was nobody on the streets, there's nobody who wanted to go to the temples. सबने अपने घर में ही उस त्यौहार को मनाया। तो मंदिर के दरवाजे बंद थे, मुझे लेकिन लगता है कि भगवान के दरवाजे खुले थे। तो भगवान सबके घरों में आए और पहली बार सबके घरों में रामनवमी बनी। आज का सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लवली सब्जेक्ट ऑन इमोशंस। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि इस पर घंटों हम बात कर सकते हैं, और इस सब्जेक्ट के अलग अलग पहलू हैं। आज मैं एक छोटे से पहलू पर बात करूंगा एंड आज थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंटली मैं आपके सामने पेश करूंगा। इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू थिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मेरा ये रिकॉर्डिंग है उसका एक है पार्ट, और एक मेरी रिकॉर्डिंग पहले की है जो एक लाइव प्रोग्राम में हुई है। तो दोनों का आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी आज एंड इट विल बी डिफरेंट, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, बिकॉज मुझे लगता है लाइव रिकॉर्डिंग्स का फ्लेवर अलग होता है व्हेन ऑडियंस इज देयर एंड एक डिफरेंट एक फ्लेवर होता है, और एक ये रिकॉर्डिंग इसका फ्लेवर अलग होता है। तो दोनों का एक फ्लेवर आपको आज मिलेगा। बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, लेट मी थैंक यू फॉर द वंडरफुल रिस्पॉन्स यू गेव, स्पेशली फॉर माई द वीडियो ऑन द सेवेंथ डे, जहां मैंने बात करी थी ऑफ बींग अ कॉन्ट्रीब्यूटर, और आप लोगों ने उस चीज को अच्छी तरह पकड़ा, बहुत से लोगों ने इसको अच्छी तरह पकड़ा। नॉट दैट यू आर नॉट डूइंग इट बिफोर, लेकिन मुझे काफी मैसेज आए आफ्टर दैट वीडियो विच पीपल सॉ, एंड मैसेज आए कि हमने पीएम केयर्स में डोनेट किया, किसी ने 2 लाख किया, किसी ने 50,000 किया, किसी ने कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने 15-15 लाख डोनेट किया। और उसी दिन ऑन द डे इटसेल्फ ऑफ द वीडियो रिलीज, मेरे पास जो मैसेजेस आए दैट आई नो ऑफ, तो वी हैड क्रॉस्ड 1 करोड़ ऑफ डोनेशन टू द पीएम के, टू द सीएम फाउंडेशन। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने वो बात पकड़ ली। नॉट दैट यू वर नॉट डूइंग इट, कुछ लोग पहले से कर रहे थे, कुछ लोग ऑन दी वर्स थे, बाउंड्री पे थे, शायद वीडियो देख के उन्होंने आपने वो जल्दी कर लिया, कुछ लोग कर रहे होंगे। तो प्लीज कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट एट दिस टाइम, एट दिस आवर, एंड हम सब मिलकर ही सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, यही पॉसिबल है। तो आज का सब्जेक्ट जो है वो है इमोशंस। गोइंग बैक टू द सब्जेक्ट नाउ, आई फील ये जो सेल्फ डेवलपमेंट की जो एक हायरकी है, एक स्टेप बाय स्टेप एक इसका अगर हम एक देखेंगे कि प्रोग्रेशन क्या है, तो सबसे नीचे लेवल पे आता है फिजिकल पर्सनालिटी। फिजिकल पर्सनालिटी मींस हम फिजिकली कैसे हैं, हमें जो शरीर दिया गया है बाय बर्थ फ्रॉम आवर पेरेंट्स साइड, तो वो शरीर हमारा है और उस शरीर को हम कैसे रखते हैं, ये सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटी है। हमारे पास 4 पर्सनैलिटीज होती हैं ऐसा कहा जाता है, तो सबसे लो फॉर्म की होती है फिजिकल पर्सनैलिटी। इसकी देखरेख में, इसको इसका ध्यान रखने में, इसको अच्छा रखने में उतना एफर्ट नहीं लगता जितना बाकी पर्सनालिटीज में लगता है। तो ये फिजिकल पर्सनालिटी, तो इसमें यू डोंट हैव टू बी एन आई एम अहमदाबाद गाय, यू डोंट हैव टू बी एन IIT ग्रेजुएट, यू डोंट हैव टू डू अ हार्वर्ड्स डिग्री टू अंडरस्टैंड ये बॉडी को आपने कैसे रखना है, ये शरीर को कैसे रखना है, सिंपल है। इसके ऊपर की जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी बोलते हैं, कि आपकी सोच कैसी है, आपकी समझ कैसी है, आपका कॉन्शियंस कैसा है, आप सही और गलत में आप परख रखते हो, यू नो दिस इज योर इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। तो यहाँ से आप स्ट्रेटेजाइजिंग कर सकते हो, अगर बिजनेस में हो आप नई नीतियाँ बना सकते हो। सो ये थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर टू द फिजिकल सेल्फ। तो फिजिकल का ध्यान रखना आसान है, मेंटल पर्सनालिटी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी को डेवलप करना थोड़ा उससे मुश्किल है, और इसके ऊपर की एक और पर्सनालिटी आती है वो है इमोशनल पर्सनालिटी। हम इमोशनली कैसे हैं, हम इमोशनली कितने स्टेबल हैं, कितने अनस्टेबल हैं, और इसके ऊपर आती है स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। सो ये एक ऐसे हायरकी है ऑफ पर्सनालिटीज। तो आज का जो है वो हम थर्ड लेवल पे हैं, हम बात कर रहे हैं इमोशनल, और ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसका भी मैं छोटा सा एक एस्पेक्ट आपको आज रखूंगा एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू इन दिस फेज ऑफ योर लाइफ। तो ये इंटेलेक्चुअल से भी बड़ी है और फिजिकल से भी बड़ी है, क्योंकि ये भावनाएं जो हैं, जो इमोशंस हैं, अगर आप देखो अपनी लाइफ में, आप पीछे मुड़ के देखो, वॉट एवर नंबर ऑफ ईयर्स वी हैव बीन अलाइव ऑन दिस प्लैनेट, तो आप देखो कि जो आपने कुछ पाया है, या आपने कुछ बड़ा काम किया है, या आप कुछ बड़ा काम करने से चूक गए हैं,
तो आप देखोगे उसके पीछे ज्यादातर भावनाओं का ही खेल है, इमोशंस का ही खेल है. एंड आई गिव एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड. 4 साल पहले की बात है, आई वॉज देयर विद अराउंड 200+ पीपल इन थाईलैंड इन कोठाओ, और हम लोग गए थे एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए स्कूबा डाइविंग में, लॉन्गेस्ट ह्यूमन चेन अंडर वाटर. तो हमारा रिहर्सल था ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो हम लोग सब रिहर्सल में गए और रिहर्सल में हम सब फेल हो गए. बट वी कुड नॉट स्टे अंडर वाटर, किसी का ऑक्सीजन खत्म हो गया, किसी को डर लग गया, किसी का पानी घुस गया मास्क के अंदर, किसी को समुद्र के पानी की लहरों से डर लग गया, किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं बना. मतलब 220 लोग थे और 220 लोगों में से मतलब 50% से ऊपर लोग फेल हो गए. सो सारे इंस्ट्रक्टर्स थे जो वहाँ के और जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो एजुकेटर आई थी, उन्होंने भी कहा कि अभी रिकॉर्ड बनने वाला नहीं है. एंड वो एक फीलिंग जो हम लोग का ग्रुप था, जो ऑर्गेनाइजर हम लोग थे, तो वो हम लोग इतने स्ट्रेस में आ गए कि नाउ वी हैव टेकन 200 पीपल फ्रॉम हियर, 200+ पीपल फ्रॉम हियर, इतना समय लगा है, इतना पैसा लगा है, इतने लोगों की उम्मीदें लगी हैं, बैक एट होम सब बोल के आए अपने घरों में कि विल कम बैक विद द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो वो सब प्रेशर, वो सब एक्सपेक्टेशंस का लोड के साथ हम लोग बैठे थे कि अब करें क्या, बिकॉज आज फेल हो गए और कल नेक्स्ट डे जो है वो अपना फाइनल है. तो शाम को मुझे याद है, व्हेन आई लुक बैक, मैं आज खुद भी आश्चर्य करता हूँ कि कैसे हुआ वो, बिकॉज आई कॉल्ड एवरीबॉडी. मैंने सारे 220 लोगों को बुलाया होटल की लॉबी में. कैन यू इमेजिन अ होटल लॉबी, और होटल लॉबी में जो है मैंने सबको वहाँ इकट्ठा किया. तो सब नीचे जमीन में बैठ गए, कोई सोफे में बैठ गया, कोई सीढ़ियों में बैठ गया, कोई रेलिंग्स में ऐसे खड़ा हो गया. 200 लोग होटल की लॉबी में, और मेरे हाथ में एक माइक था जो नॉर्मली वो कोस्ट गार्ड यूज करते हैं या पुलिस यूज करती है, जो माइक माइक्रोफोन होता है, यू स्पीक लाइक दैट. तो वो भोपू वाला माइक्रोफोन जो नॉर्मली पुलिस यूज करती है, आप लोग बाहर निकलो वाला टाइप्स. तो वो माइक से मैंने सबको एड्रेस किया एंड आई स्पोक फॉर अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स. और मैं इमोशनली बहुत ही चार्ज्ड अप था इन टर्म्स ऑफ, वो स्ट्रेस था मेरे अंदर, लेकिन मुझे लोगों से एक काम करवा के देना था और उसके लिए मुझे सब लोगों को इमोशनली चार्ज करना था. और मैंने वो इमोशनली चार्ज्ड अप होके वो चार्ज्ड अप स्पीच दी. और मैं मुझे खुद ऐसा, इफ यू आस्क मी, मुझे खुद लगता है कि ऐसा हुआ कैसे कि आफ्टर दैट स्पीच वर्ड ओवर एवरीबॉडी ऑल ऑफ देम दे वर अप इन द एयर विद एनर्जी विद एक्साइटमेंट. कोई भारत माता की जय बोल रहा है, कोई बोल रहा है रिकॉर्ड बना के रहेंगे, कोई खुद बोल रहा है कि सर मैं कमजोर हूं मुझे आप हटा दीजिए. एंड लॉट ऑफ पीपल केम एंड देन दे सेड वी विल मेक इट हैपन. एंड नेक्स्ट डे वी वेंट एंड वी मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड. आज भी अगर आप उन 200 लोगों से बात करोगे तो एवरीबॉडी विल से That night made the world record, not the day when we went inside the world. वो रात जो थी, वो जो उस समय का माहौल था, उसने वो हमारा world record बनाया. तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ये है emotions की ताकत. Emotions की ताकत जो है, आपकी काबिलियतें जो कम होती हैं, उन काबिलियतों पे भी भारी पड़ जाती है emotional capability. अगर आप emotionally high हो, तो शायद अगर आप किसी चीज में कमजोर हो, नाकाबिल हो, आपको वहां से भी उठा लेती है. ये emotions की ताकत. इमोशंस की ताकत है कि आपसे वो काम करवा देती है जो शायद आप कभी सोचते नहीं कि आप कर सकते. और इमोशंस का ये भी है कि इमोशंस शायद आपसे वो काम करने को भी रोक दे जो आप करने की काबिलियत रखते हैं. कभी आपको डर लग गया, मैंने परसों वीडियो बनाया था डर का, कि डर का जो इमोशन है, भाव, ये भाव है, ये हमसे बड़े काम, जो अच्छे काम है, वो भी करने से रोक देता है. तो ये इमोशंस बड़े गेम खेलता है हमारे साथ. इन दैट इमोशनल स्टेट ना, जो यंगस्टर्स होते हैं, नॉट दैट ये प्यार मोहब्बत यंगस्टर्स का ही राज वाला एरिया, बट एनी बडी कैन बी इन लव. बट नॉर्मली देखो आप, ये जो 20-25 साल के जो एज में जो यंगस्टर्स दे आर इन लव, तो जो प्यार करता है उसके अंदर देखो ताकत कहाँ से आ जाती है. फिर वो परिवार से भी लड़ने को तैयार हो जाता है, वो लड़की वालों के घर से भी लड़ने को तैयार हो जाता है, लड़के वालों के घर से भी लड़ने को तैयार हो जाता है. रात को वो कहीं जाके उसके अंदर एनर्जी आती है, पिक्चर देख लेता है, ये पत्थर तो मारता है लड़की के घर में, एंड इज विलिंग टू टेक लॉट ऑफ रिस्क. तो ये कहाँ से आई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी? उसको बोलो किसी और एरिया में रिस्क तो नहीं लेता है, लेकिन वो उस लड़की से बात करने के लिए या उस लड़के से बात करने के लिए कहां से अचानक ताकत आ जाती है? तो इमोशंस की तो बात है. अगर मैं नेगेटिवली इसको बोलूं कि आप किसी चीज के लिए, यू नो, आप कोई काम करो जिसमें आपकी जान जा सकती है, आप काम करोगे? तो इंटेलेक्चुअली आप बोलोगे नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे. लेकिन जो बॉर्डर पर सोल्जर खड़ा हुआ है, तो वो देश की रक्षा में अपने आप को, उसने अपने आप को इतना डाल दिया, इतना इमोशनली हाई है कि वो उस इमोशन की वजह से वो उसका मन माइंड नहीं काम करता है कि यार मैं ये 30-40 हजार रुपये ना जान गाँव पे लगाऊंगा. नो बडी विल गिव हिज लाइफ फॉर 30-40 थाउजेंड रुपीज अ मंथ.
लेकिन देश के लिए वो जान लगाने को तैयार है, इमोशंस की ताकत होती है। तो तभी किसी सोल्जर के आगे, कभी किसी फौजी के आगे, कभी तिरंगे का नाम कभी अपमान नहीं करना, उससे सहन नहीं होता, बिकॉज उसके लिए वो जान देने को तैयार होता है। कभी भी देश के बारे में उसके सामने कभी गलत बात नहीं करना, क्योंकि उसके लिए वो जान देने को तैयार होता है। शायद हम लोग इंटेलेक्चुअली उसको डिस्कस करते रहते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन वो तो वहां जाके फेस करता है, उसके लिए उतनी वो माने रखता है। तो और उसको तो मैं और नेगेटिव साइड में ले जाऊं तो इमोशंस में कुछ लोग इतने खोए होते हैं कि वो अपनी जान भी दे देते हैं, एक बटन दबा के खुद को मार देते हैं और 50-100 लोगों का लग मार देते हैं। ये ताकत होती है इमोशंस की। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूं वो एक छोटा सा एस्पेक्ट है इमोशंस का, कि इमोशंस हैव लॉट ऑफ पावर, और ये इमोशंस हम खुद ही क्रिएट करते हैं। ये इमोशंस हमारे अंदर, ये बाहर से कहीं नहीं आते। इमोशंस बाहर से ट्रिगर आता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, द ट्रिगर पॉइंट कैन बी आउटसाइड फॉर हैप्पीनेस, फॉर फियर, बट ये मैन्युफैक्चरिंग अंदर ही हो रही है। हम कुछ कर रहे हैं अंदर, हम कुछ सोच रहे हैं और अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग होती जा रही है। तो आज सिर्फ मैं आपको इतने में छोड़ूंगा ये सोच के साथ कि इमोशंस का बड़ा वट है, बड़ा एक उनका रोल है, बड़ी ताकत है उनकी, हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी या हमारी फिजिकल इनकेपेबिलिटी से स्ट्रॉन्ग है, हमारे मेंटल स्ट्रेंथ, हमारे कॉन्शियंस या हमारे इंटेलेक्चुअल सोच से भी ये बड़ी है। तो ये सब पे हावी होती है। जब इमोशनली आदमी हाई हो जाता है ना, तो अपनी सोच को सही कर देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। घर में कोई बच्चा अगर प्यार मोहब्बत पड़ा हुआ ना, तो किसी की बात नहीं सुनता, उसको समझ में नहीं आती, बिकॉज वो इमोशनली इतना हाई। कोई किसी के कल्ट में आके कोई काम करने को तैयार हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो सोसाइटी के लिए या बिल्कुल ही हानिकारक हो, वो सुनता नहीं, क्योंकि वो इमोशनली एकदम अलग ही लेवल पे चले गया। तो इमोशंस की ताकत बहुत है। तो इन इमोशंस को आप लाइटली मत लो। हम अपने अंदर इमोशंस क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो, बिकॉज हम ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इमोशन। तो मेरे जो वीडियो है, मैं भी इसमें अटैच करूंगा वो वीडियो, दैट वीडियो इज ऑल अबाउट दैट वी आर ऑल क्रिएटर्स ऑफ आवर इमोशंस। तो अभी ये एक सेकेंड लेवल पर आपको ये बात ले जा रहा हूं कि हम खुद ही इमोशंस क्रिएट करते हैं। और वो इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं, एक बड़े अच्छे ढंग से मैंने बताया इस वीडियो में। तो आप ध्यान रखिए, आप कॉन्शियस रहिए, सचेत रहिए, जागरूक रहिए कि आप इमोशंस क्या बना रहे हैं, और जितना हो सके वो इमोशंस बनाइए जिससे आप वो हरकतें कर सकें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर इतना समझ में आ गया, आई थिंक वी आर थ्रू विद लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशंस साइड। सो वॉच दिस क्लिपिंग ऑफ माइंड विच इज अटैच नाउ, एंड आई एम श्योर आपके पास बहुत कुछ होगा सोचने के लिए, समझने के लिए, और शायद मुझे पोस्ट करने के लिए भी। सो स्टे सेफ एंड बी हैप्पी एंड टेक चार्ज ऑफ योर इमोशंस। नमस्ते। आई बिलीव आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन फीलिंग्स। मैं अपनी भावनाओं का निर्माता हूँ। आई क्रिएट माई ओन फीलिंग्स, नो बडी एल्स क्रिएट्स माई फीलिंग्स। तो ये कहना बड़ा गलत है, यू मेक मी मैड, तुम पागल कर देते हो मुझे। सुना ये डायलॉग कभी वाइफ बोलती है हस्बैंड को, पागल कर देते हो तुम लोग। कोई पागल नहीं करता आपको, आपने खुद पागल होने का डिसीजन ले लिया है, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन फीलिंग्स। क्योंकि अगर उसके अंदर, सपोज लेट मी गिव एन एग्जांपल, यहां से हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सपोज ऐसा माने, इट सेज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन फीलिंग्स। सपोज हमारा यहां अभी ब्रेक होता है, हम जाते हैं हॉल के बाहर, जैसे ही हॉल के बाहर जाते हैं, वहां एक बढ़िया सा ऐसा भयंकर जर्मन शेफर्ड बैठा हुआ है डोर के बाहर। उस जर्मन शेफर्ड को देख कर, अभी सब देख रहे हैं, तो तभी नवीन उसको देख के बोलता है, क्या लुक एट द वे, कैसा बैठा है जर्मन शेफर्ड, क्या स्टाइल है, क्या ग्रेस है यार। हर चीज जर्मन जो होती है ना, ग्रेसफुल होती है, जर्मन गाड़ी, जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन फिर बंद कर देता है हर चीज जर्मन कहता है, एकदम ग्रेस होती है। अभी जर्मन शेफर्ड देख के एकदम खुश होता है, उज्जवल दिखता है जर्मन शेफर्ड को, ये जर्मन शेफर्ड यहां किसने रखा है, ये होटल है, ऐसे होटल में ऐसे कोई लाता है और छोड़ देता है बिना चेन के, कौन है वो इंसान जिसने इसको अलाउ किया। लॉयर है बाय नेचर, एनालिटिकल है, एनालिसिस में चले जाते हैं, कौन है बुलाओ। विशाल दिखता है जर्मन शेफर्ड को, अगर इसने काटा तो कितने इंजेक्शन लगेंगे और कहां लगेंगे। वर्षा, मेरा भी बड़ा अच्छा जर्मन शेफर्ड था, बहुत बचपन के दिन याद आ गए मुझे।
शी बिकम्स नॉस्टैल्जिक. उसको बचपन का जर्मन शेपर्ड याद आता है कि मेरा भी ऐसा कुत्ता था, वो वहीं बैठ के बड़ी याद आ रही है उसकी. कुलप्रीत उसको देखते, अरे टॉमिंग वाले 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 आजा 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 आजा. तो उधर से पीछे से रवि बोलता है, भैया वो जर्मन शेपर्ड है, हस्बैंड नहीं है, छोड़ दो उसको. अनीता देखती जर्मन शेपर्ड को, जर्मन शेपर्ड, एंड शी फेंट्स. आई हैव जस्ट गिवन यू अ फ्यू सिचुएशंस. एक जर्मन शेपर्ड और हर एक का रिस्पॉन्स अलग 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 अलग. एम आई राइट? अगर जर्मन शेपर्ड में ताकत होती डराने की तो सब डरते. अगर जर्मन शेपर्ड में ताकत होती किसी के अंदर से प्यार निकलवाने की तो सभी प्यार करते. अभी जर्मन शेपर्ड में ताकत होती किसी को नॉस्टैल्जिक बनाने की तो सभी नॉस्टैल्जिक हो जाते. लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना. तो सबने अपनी अपनी फीलिंग्स का निर्माण किया. तो हम सब अपने इमोशंस के निर्माता. तो आज के बाद ये आप ब्लेम डालना बंद कर दो लोगों पे कि यू मेक मी मैड, यू मेक मी सैड, यू मेक मी अपसेट. तू दिमाग का सटका देता है. आपने डिसीजन लिया कि मैं इसको देख के सटकाऊंगा. और कुछ लोगों को मालूम पड़ जाता है कि आपका सटकता है तो वो आपका सटकाने के लिए आ जाती है. और फिर आपस में बात करते हैं ऑफिस में, ये आज फिर उचका बॉस, मजा आया. वो तुम्हें उचकाने के लिए आती बिकॉज उनको मालूम है तुम्हारा रिमोट कहां है. तो यू आर इन द कंट्रोल ऑफ अदर पीपल. दे समवेयर क्रिएट दोस फीलिंग्स इनसाइड. सो जिसने अपनी भावनाओं का निर्माण करना शुरू कर दिया, हु डिसाइड्स, आई विल डिसाइड टू बी हैप्पी, आई विल डिसाइड टू बी सैड, आई विल डिसाइड टू बी एंग्री, आई विल डिसाइड टू बी अपसेट. अगर 10 में से 6-7 बार भी ऐसा जी लिया, इज इट वर्थ इट? सो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन फीलिंग्स.